सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी अभिषेक शर्मा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन क्वेरीज के बारे में जो बच्चे NIT पटना से रिलेटेड अक्सर पूछा करते हैं। जो बच्चे सोच में है कि NIT पटना सही है नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है, तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। पहली बात कि NIT पटना टॉप NITs के कंपेरिजन में थोड़ा पीछे जरूर है लेकिन कम नहीं, जिसका सबूत है इसकी हर साल इम्प्रूव होते प्लेसमेंट रिकॉर्ड और NIRF रैंकिंग। फॉर कोडिंग एंथुसियास्ट हु आर कीन टू नो अबाउट कोडिंग कल्चर, यस यू विल डेफिनेटली गेट दैट हियर एंड देयर आर मल्टीपल क्लब्स विच विल हेल्प यू टू एनहांस योर स्किल्स। हाँ, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको भी जरूर करनी पड़ेगी। सी शेड्यूल्स आर नॉट दैट हेक्टिक, थोड़ी सी मेहनत करके भी आप एग्जाम्स एटलीस्ट पास जरूर कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपने दूसरे स्किल्स को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। हाँ, लेकिन थोड़ा पढ़ लेना सब कम से कम एग्जाम्स के लिए। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करें तो दे आर लाइक ओके, ठीक है। मतलब क्रिकेट और फुटबॉल खेलने के लिए आपको अलग ग्राउंड तो नहीं, एक ही ग्राउंड मिलेगा जिसमें हम लोग कभी कभी वॉलीबॉल भी खेल लेते हैं। बट वी हैव अ गुड बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस कोर्ट एंड वी हैव ऑल्सो अ बास्केटबॉल कोर्ट जिसमें हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। जिम्स की अगर बात करें तो दे आर सेपरेट जिम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। ऐसे बच्चे जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं वो अपने कॉलेज को इंटर NIT में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। कैंपस लाइफ को लेकर आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है क्योंकि और NITs के मुकाबले NIT पटना का कैंपस एरिया थोड़ा सा छोटा है, लेकिन नए कैंपस का काम प्रोग्रेस में है। कैंपस कहने को थोड़ा छोटा है लेकिन यहाँ पे हर कोने कोने का सही से यूटिलाइज किया गया है। बगल में गंगा घाट की खूबसूरती, वाह भाई वाह, मजा आ जाता है। हॉस्टल और मेस की बात करें तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को मोस्टली सोन हॉस्टल, कोसी हॉस्टल या फिर बागमती हॉस्टल अपॉइंट होगा। सेकेंड ईयर से सारे ब्रह्मपुत्रा में शिफ्ट हो जाते हैं। लड़कियों की बात करें तो लड़कियों को गंगा हॉस्टल अपॉइंट होता है, जिन्हें फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक वहीं ज़िंदगी काटना पड़ता है। मेस की बात करें तो जो बच्चे बिहार से हैं वो तो खाना खा लेते हैं, लेकिन जो बिहार से नहीं है वो भी खाना स्टार्ट कर ही देते हैं। ये तो हो गई ऊपर की बातें। आप बोलोगे भैया आपने तो कुछ फेस्ट, लैब, क्लासेस, प्रोफेसर्स, प्लेसमेंट्स, इन सब बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो इन सब के बारे में मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको NIT पटना में आकर ही मालूम चलेगी।